हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्टोपैड मास्टर सचिन पे। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पैच। तो जिस पैच की डिमांड आप सभी लोग कर रहे थे, बहुत सी कमेंट भी आ रहे थे इस पैच को लेकर के कि ऐसे पैच बनाइए जो कि अधिकतर भजन, जागरण इत्यादि में हम बजा सके। तो ये पैच आपको जो भी SPD 20X हो या फिर 20 हो या फिर 30 हो, आपको अधिकतर पैड में ये पैच आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, वही पैच मैं आपको यहाँ पे बजा के सुनाऊंगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नए जो भी हैं जिनको डाउनलोड करने नहीं आती है, तो उस सब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड करना सीखे, और जो ऑलरेडी डाउनलोड करने के लिए जानते हैं वो लिंक पर जाएँ, और लिंक पर जा कर के क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर ले। और एक मिनट दोस्तों, इससे पैच में पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है? तो पासवर्ड मैं बोल के बताऊंगा, ठीक है ना? मैं पासवर्ड लिख के नहीं बताऊंगा वीडियो में, पासवर्ड मैं बोल के बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और मैं वहां पे आपको पासवर्ड बता दूंगा कि पासवर्ड इतना इतना है, आप नोट कर लें और इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है? तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें अगर पसंद आए तो, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों? और चलिए तो हम आपको अब बजा के सुनाते हैं। Thank you.
तो दोस्तों इसमें मैंने विभिन्न टाइप से और विभिन्न टाइप के मतलब जो भी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने इसमें आपको बजा के और इसमें पैटर्न बताई, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बेसिक पैटर्न बताऊंगा जो कि आप आसानी से बजा सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बजाने में आपको परेशानी ना हो। क्योंकि इसमें अगर बहुत सारे पैटर्न मैं अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और सारे पैटर्न कुछ भी नहीं है, अगर आप एक पैटर्न की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसी में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है सो आपको हैंड चलने लगेगी, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बेसिक सा पैटर्न बताता हूँ। और दोस्तों जैसा कि आपको मैं पासवर्ड के बारे में बोल रहा था, तो पासवर्ड क्या है सो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पासवर्ड है 1 2 3 4, ठीक है ना। पासवर्ड 1 2 3 4 और उसके बाद जो है 7 8, 1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 7 8, ठीक है ना। तो ये पासवर्ड जब आप डालिएगा तो आपका जी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 और 7 8, यानी 1 2 3 4 7 8, मैंने पासवर्ड बता दिया। तो इस पासवर्ड को जब आप डालिएगा तो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जिन्हें वीडियो स्किप करके अब आगे निकलने हैं तो वो निकल सकते हैं, बट जिन्हें सीखनी है, जो नए हैं, जिनको बजाने नहीं आते, उनको लगता है कि हम नहीं बजा पाएंगे, तो वो अब यहाँ से अपना सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद की जो वीडियो है वो नए लोगों के लिए है, और जो पुराने भी हैं जिनको समझ में नहीं आती, जो बजाने के लिए नहीं जानते, तो इसमें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं भी सीखने जाएगा तो इसी तरह से आपको हैंड जो है सो हाथ में आपको स्टिक धरा करके और आपको सिखाएगा। तो चलिए, और जब आप एक बार में नहीं सीखे, आपको प्रैक्टिस नहीं हो, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये संगीत की चीज़ है, ठीक है ना। और ये जल्दी आती नहीं, जिन्हें चल आती है जल्दी वो समझिए गॉड गिफ्टेड है, और किसी को कठिन परिश्रम करने के बाद आती है। क्योंकि जब आप कहीं स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तो आपके देखने वाले हज़ारों होंगे, ठीक है। तो हज़ारों को झुमाने के लिए पहले आपको हज़ारों कितना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगी। संगीत में आप जितना टाइम दीजिएगा उतना आगे निकलिएगा। तो चलिए दोस्तों, और हम आपको अब बजाने के लिए सिखाते हैं। तो सबसे पहले स्टिक तो सबके पास होगी नहीं, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से बना लीजिएगा देख करके वीडियो को। तो चलिए हम स्टिक को साइड करते हैं, आपको हम फिंगर से बताते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने चाटी लगा रखी है, और यहाँ पे ओहेट, और यहाँ पे बेस के साथ क्लैप और घुंघरू दोनों मिक्स है, और यहाँ पे तबला स्लाइड लगा हुआ है और उसके साथ ओहेट मिक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे बेस है, तो जो भी शुरू हैं, शुरू में जो बजाएंगे तो उनको तो परेशानी होगी, तो इसलिए वो सबसे पहले इस तरह के हैंड की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यानी दाहिने फिंगर को इस तरह से करनी है आपको प्रैक्टिस। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न जो हम बता रहे हैं, इसके बीच की जो टाइमिंग जो है, ये टेम्पो, वो एकदम बराबर इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस तरह से, ये नहीं कि आप बजाने लगे थे इस तरह से, मतलब ये नहीं कि, मतलब जैसे कि किसी किसी के बीच गैप ज़्यादा हो जाएगा, किसी के बीच कम हो जाएगा, तो इस तरह से आपको नहीं करनी है। आपको ध्यान रखनी है कि आपको बराबर एक नियत कॉन्स्टेंट, एक नियत टेम्पो में, यानी एक नियत स्पीड में आपको बजानी है, जैसे इस तरह से। चाहे वो आप जिस टेम्पो में आप स्टार्ट करें, ध्यान रखें कि उसी टेम्पो में आप कंटिन्यू बजाते रहेगा। जैसे अगर नए नहीं तो स्लो में बजाएंगे इस तरह से, अब उसके बाद जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तब इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब इसी को धीरे धीरे आप जब फास्ट करते जाइएगा तो आपको एक जो है सो आपको लगेगा कि हाँ कुछ बज रही, इस तरह से।
और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस ये करनी है इस तरह से। अगर दोनों हैंड की एक साथ प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसको सिंगल बाय सिंगल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो राइट हैंड के फिंगर्स आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह से। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यू करके भी आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम दोनों हैंड को मिक्स करेंगे तो वो इस तरह से बजेगी। तो इस तरह से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जब इसी को जब फास्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से देखिए दोस्तों, अगर आपको एक बार में नहीं होता आप इसको बार बार इस पैटर्न को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा हिम्मत बांध के, चूँकि नई नई जो भी होती है उसके अंदर थोड़ी सी उत्सुकता ज़्यादा होती है कि हम तुरंत सीख जाएँ, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। किसी किसी को जल्दी समझ में आ जाती है, किसी किसी को लेट से आती है, तो इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ आप उसी फिंगर को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने स्लो से लेकर के और बहुत फास्ट तक आपको बजा के सुनाया था, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से फास्ट बजा सकते हैं, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है, जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से जैसे कि हम इस तरह से बजाते हैं, इस तरह से बजा करके इस पे से हम इसी पे रिटर्न आते थे, फिर हम इस पे जाते थे। तो अब यहाँ पे अगर इस पे एक बार हम दबाते हैं तो इस पे दबाने के बाद फिर इस पे नहीं रिटर्न आना है, यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। जैसे कि जैसे हम पिछले में ऐसे बजाते थे इसे, ठीक है। जैसे यहाँ से हम इस पे गए और इस पे से फिर हम इसी पे आते थे, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, तो इसी पे हम रिपीट आते हैं। तो इसको सिंगल हिट करना है और फिर रिपीटिंग टाइम में हमको इस पे आना है, यहाँ पे जो कि बेस और क्लैप मिक्स है इस पे, और उसके बाद फिर हमको यहाँ स्लाइड पे जाना है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम और राइट हैंड के फिंगर और लेफ्ट हैंड के फिंगर दोनों को हम मिक्स करके बजाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बजेगी। जस्ट एज जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले जो बताया था उसी के तरह इसमें हैंड चलती है, बस इसमें एक इस पे हमको रिटर्निंग में आके इस पे रिटर्निंग ना जाकर हमको इस पे हिट करनी पड़ती है इस तरह से। हम शुरू में क्या प्रैक्टिस किए थे, तो शुरू में हम इस तरह से प्रैक्टिस किए थे,
उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम गए थे, तो इसको इसके साथ हम प्रैक्टिस किए थे और फिर हम इससे भी नेक्स्ट लेवल में हम यहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस पे। इसी पैटर्न को आप जितना फास्ट बजाएगा ये उतना मतलब जो है इसे खिलता जाएगा और फ्रेश हैंड बजाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे ये जो है सो आपको ये डुग्गी ले करके आप बजा सकते हैं, ठीक है, हुडका हुडका लगा हुआ है तो इसको ले करके बजा सकते हैं। तो इसको बजाने के लिए आपको इस तरह से हैंड प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें डिले लगा हुआ है, इसलिए जो है सो अगर इसको हम स्लो में बजाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस प्रैक्टिस इस तरह से कीजिएगा, जब पहले ये सारे पैटर्न आप फास्ट में बजा लीजिएगा, उसके बाद आप हुडका के साथ बजाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आप जो है हुडका के साथ बजा सकते हैं। आप चाहे तो इसके डिले के जो टाइमिंग है उसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि ये है तो यहाँ पे देखिए इसका पिचिंग प्लस ट्यूनिंग प्लस नो है, तो इसको देखिए आप जीरो कर दीजिएगा तो ये घट गया इसका पिच और ये इसका टेम्पो भी घट गया, सॉरी टेम्पो नहीं, डिले टाइम इसका जो है सो वो बढ़ गया। और आप इसको फिर स्लो में भी आप इसको बजा सकते हैं, जितना आप इसका ट्यूनिंग जो है घटाते जाइएगा इसका डिले टाइम उतना बढ़ते जाएगा, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। डिले टाइम बढ़ना मतलब दोनों के बीच का स्पेस जो है सो बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये जो इसका टाइमिंग जो है सो दोनों के बीच का अंतर थोड़ा बढ़ जाता है डिले, ठीक है। आप उसके बाद रोलिंग आप जिस तरह से लेना चाहें उस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। रोलिंग में चूंकि रोलिंग बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से हम ले लेते हैं, तो रोलिंग बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसलिए रोलिंग की हम प्रैक्टिस नहीं बताएंगे, पर सिंपली आप इस तरह से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस करने के लिए भी बता दिया कि किस तरह से आपको बजानी है, तो आप स्टिक से ही बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करें फ्रेंड, आपकी कमेंट को पढ़ के हमको बहुत खुशी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।